हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल, दैट इज द इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर 2008। ओके, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक लिंक लगेगी। मेरे पास ऑलरेडी उसका सेटअप है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे हमने नोट पैड में सेव करके रखी है। देखते कि लिंक हम क्या करेंगे, हमारे क्रोम ब्राउजर के ऊपर ओपन करेंगे, को दिन डाउनलोड करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने उसको पहले से डाउनलोड करके लिखा है, जैसे कि 161 MB की ये फाइल है, तो इसके ऊपर आपको SQL मैनेजमेंट 64-bit फाइल मिल जाएगी। या डायरेक्टली आप जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ सर्च करना है SQL सर्वर डाउनलोड फॉर जो भी आपका विंडोज होगा, तो विंडोज 10 एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, जैसे कि microsoft.com एंड उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे SQL सर्वर आपको डाउनलोड होने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। सो आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे लेना है, कौन से प्रीमाइसेस के ऊपर लेना है, के डेवलपर के लिए लेना है, एक्सप्रेस वर्जन लेना है के, या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली, डॉकर, लिनक्स, विंडोज। सो यहाँ पे हम विंडोज सिलेक्ट करते हैं, देन विंडोज डाउनलोड ऑन इंस्टॉल। उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रायल सर्वर एक सी फाइल मिल जाएगी एंड वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एंड ओके फ्री गेट स्टार्ट फ्री और exe डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको आपकी क्रेडेंशियल इंसर्ट करना पड़ेगा, जैसे उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी एंड देन आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बट 2019 इतना रिक्वायर नहीं है SQL सर्वर, हमारे पास 2008 है जो कंपेटिबिलिटीली वर्क होता है। इसके लिए हम वही सिलेक्ट करेंगे, उससे ही हमारा जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले। सो ये फाइल हमने यहाँ पे डाउनलोड की है। सो डाउनलोड करने के बाद इसका हम यहाँ से ओपन करेंगे। इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम एंड ओपन होने के बाद जो लोडिंग प्रोसेस होगा, जो फाइल्स एक्सट्रैक्टिंग होगा एंड जो एक्चुअल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। इस टेक्स टाइम अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। सो बाकी सबको मिनिमाइज कर देते हैं, सिर्फ हमें SQL की स्क्रीन चाहिए। सो एक्सट्रैक्टिंग फाइल, फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट का एक विंडोज पॉपअप हो जाएगा एंड देन जो आपका इंस्टॉलेशन का विंडोज है या जो इंटरफेस है आपको आ जाएगा। ओके, यहाँ पे पॉपअप आ गया हमें परमिशन के लिए। सो आपको इंस्टॉल करना है यस, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक नेटबीन्स 3.5। ओके, मोस्ट ऑफ लोग इसको एरर समझते हैं बट ये एरर नहीं है। सो सिंपल इसके अंदर क्या है कि जो फ्रेमवर्क होगा वो इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो इसके लिए हमें फर्स्ट इस फ्रेमवर्क को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा। अदरवाइज इफ आपके सिस्टम के अंदर नेटबीन .NET फ्रेमवर्क 3.5 ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये डाउनलोड इस ए ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं आएगा। तो सिंपल, इफ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो, फाइल सर्च होगी के ऑटोमेटिकली जो .NET फ्रेमवर्क 3.5 डाउनलोड हो जाएगा। तो सर्च हो रहा है के, वो सर्च होने के लिए इफ आपके पास, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो पॉपअप होके चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर, इन द सेंस जो दूसरे सिस्टम के अंदर मैंने प्रैक्टिस किया था इंस्टॉलेशन का, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी इंस्टॉल था 3.5, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, सो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया जो भी फाइल्स रिक्वायर्ड होंगे।
सो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स के अंदर ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट कनेक्शन एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, दोनों भी इसके लिए प्रॉपर होने चाहिए तभी ये चीज़ यहाँ पे परफॉर्म होने वाली है। तो मेरा इंटरनेट स्पीड भी अच्छा है एंड जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फास्ट पे में यहाँ पे हो रहा है। देन एक कंप्लीट होने के बाद आपको डायरेक्टली जो SQL सर्वर इंस्टॉलेशन का GUI दिख जाएगा। ओके, टेक्स टाइम के पेशेंस रिक्वायर्ड है कोई भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते समय, तभी आप अच्छे से जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कर सकते हैं, या ओनली सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके कोई भी इंस्टॉलेशन अच्छे से समझ के नहीं होगा। सो डाउनलोडिंग रिक्वायर्ड फाइल्स कंप्लीटेड, थोड़ा सा बाकी होगा। ओके, यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी हो रहा है, इंस्टॉलेशन भी उतना ही टाइम लेगा, 1-2 मिनट्स, एंड 1-2 मिनट्स के अंदर, 1 और 2 मिनट्स के अंदर वो भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन हम हमारे एक्चुअल SQL सर्वर के इंस्टॉलेशन की प्रोसेस देखेंगे। ये जानबूझ के मैंने ये सिस्टम सिलेक्ट किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को ये ऑप्शन विजिबल नहीं होता, कुछ सिस्टम में होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कंफ्यूज होते कि ये कौन सा एरर है, किस तरह से हम उसको हैंडल करें। तो एरर नहीं है, जो फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है वो फ्रेमवर्क यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है यहाँ पे कंटिन्यूसली स्मूथली वर्क हो रही है। ठीक है, सो 2 मिनट रुकते हैं, या जो वीडियो स्किप हो जाएगी ऑटोमेटिकली एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चली जाएगी, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट SQL के अंदर .NET फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग .NET 2.0 2.3 ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। इट माइट बी नीड टू रिस्टार्ट एप्लीकेशन दैट रिक्वायर दिस फीचर्स, तो इसको क्लोज करते हैं। ओके, क्लोज करने के बाद अगेन हमें जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जहाँ से हमने स्टार्ट की थी जैसे लाइक यहाँ पे हमें ओपन करना है, देन जो भी आपका फोल्डर होगा डाउनलोड का उस डाउनलोड फोल्डर में जाना है, तो शो डाउनलोड। ओके, तो डाउनलोड के अंदर जाके इसको ओपन करना है, या आप एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर भी इसको रख सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क यहाँ पे वर्क हो गया, आपको डायरेक्टली वो फाइल्स विजिबल हो गई कि एक्सट्रैक्ट भी हो रही है, माइट भी बोला था उन्होंने, सो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हो गया वो ओपन। इफ 2 मिनट होल्ड करके रखो कि इफ ओपन नहीं हुआ तो आपको जाना है या सिस्टम एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना है, फिर से करना है, बट यहाँ पे हो गया ओपन तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है जैसे लाइक थोड़ा सा जूम करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर कि सो एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा सा जूम करते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, सो एप्लीकेशन के ऊपर जूम कर दिया, देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला ऑप्शन दैट इज अ न्यू इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स टू एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। इसके अकॉर्डिंगली आप सेम सिस्टम के अंदर इफ आपका पहले से इंस्टॉल है तो भी उसके अंदर न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने होंगे, जैसे लाइक कि 1 2 3 ऐसे नंबर्स ऑफ इंस्टेंस, SQL एक्सप्रेस 1, SQL एक्सप्रेस 2, SQL एक्सप्रेस 3, ऐसे नंबर्स ऑफ इंस्टेंस आपको क्रिएट करने होंगे तो इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। देन प्रोसेस वन बाय वन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई, तो सिर्फ आपको वेट करना है ये प्रोसेस कंप्लीट होने के तक, देन आपको जो स्क्रीन है यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ओके, देन टर्म्स एंड कंडीशन लाइसेंस सिलेक्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ओके, देन तो एक्सेप्ट कर दिया दोनों भी टर्म्स एंड कंडीशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट, नंबर्स ऑफ फाइल्स। ओके, इस प्रैक्टिकल में
स्पेक्ट्रिकल में जो लोडिंग प्रोसेस है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, अदरवाइज प्रैक्टिकल कोई हार्ड नहीं है, या आपका ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये भी कोई हार्ड नहीं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए पेशेंस रिक्वायर्ड है फॉर एन इंस्टॉलेशन प्रोसेस। कि अगेन इस टेक टाइम के सेटअप द सपोर्ट फाइल एंड जो एक्चुअल वाला आपका पीसी है। ओके सो वन मोर थिंग्स, वन मोर अफेक्ट फाइल हैव ऑपरेशन पेंडिंग, यू मस्ट रिस्टार्ट यूअर सिस्टम ओके टू कंप्लीट दिस। ओके सो हमारा सिस्टम यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है, सो इट्स टेक्स अ टाइम। एंड पीसी स्टार्ट होने के बाद हमें फिर से ये जो रिकॉर्डिंग है वो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, या देखते क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि रिक्वायरमेंट नहीं हुई कि। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आ गया, हमें यहाँ पे रिस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। मैसेज सिर्फ आया था कि लाइक पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको रिक्वायर्ड है कि आप फिर से सिस्टम को रिस्टार्ट करें। ओके देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, देन वेट, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट स्टेप। ठीक देन नेक्स्ट, एक सिंगल नेक्स्ट के ऊपर भी नंबर्स ऑफ स्टेप्स आगे जाते हैं, क्यों, रिपोर्ट्स, रूल चेक करना, ये सारे प्रोसेस है। ओके ये मेन इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट्स वेट करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे देख भी सकते हैं आपके कौन कौन से एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ एक्शन के नेम्स के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सभी यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी। ओके सो वन बाय वन, इंस्टॉलिंग कॉपी फाइल, राइट रजिस्ट्री, पब्लिश असेंबली, प्रोसेस कंपोनेंट, अपडेटिंग ए कंपोनेंट रजिस्टर। ओके नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिटेल्स आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। ओके कॉपी ए न्यू फाइल, इंस्टॉलिंग अ फाइल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही। सो आप रीड करो या वेट करो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक। ये कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट वाला पेज है कंप्लीट वहाँ पे चला जाएगा, तो आपको उस विजार्ड के अंदर ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि कंप्लीट हो गया करके। ओके सो वेट करो, देन इस प्रोसेस ऑफ कंप्लीट इंस्टॉलेशन। ओके इंस्टॉलेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद जस्ट लाइक आपको ये मैसेज शो हो जाएगा। ओके सो योर एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। तो ये होने के बाद कि जैसे कि यहाँ पे कुछ फाइल अफेक्टेड हो रहे हैं हमारे ऑपरेशन को, या कुछ पेंडिंग है प्रोसेस, सो आफ्टर लॉग इन ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको ओके करते हैं। ओके देन क्लोज। ओके सेटअप कंप्लीट। ओके अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, बट उसके जो नंबर्स ऑफ फीचर्स है सभी फीचर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली रिस्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, पावर बटन एंड रिस्टार्ट। हमारा पीसी यहाँ पे रिस्टार्ट हो गया है। रिस्टार्ट होने के बाद हमें सिंपल स्टार्ट में जाना है, एंड जो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के आप नॉर्मली इसको सर्च भी कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और यहाँ पे सर्च करते हैं जैसे लाइक एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी एसक्यूएल का सेटअप होगा आने वाला है, एंड जो भी क्वेरीज हो गए वो यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो लास्ट हमारा जो सेशन था एसक्यूएल का, या प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसके ऊपर हमने जितने भी नंबर्स ऑफ क्वेरी कमांड्स किए, तो वाया यूजिंग एन एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, भी सभी नंबर्स ऑफ कमांड्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड फर्स्ट टाइम। ओके यहाँ पे जैसे कि उन्होंने मैसेज दिया था कि
फर्स्ट टाइम है तो इसके लिए वो टाइम लेगा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, सेटअप करने के लिए। सो ये आपका सर्वर नेम जो है डेस्कटॉप QKSPLNL, ओके, रैंडमली कोई भी नाम आता है, /SQL Express, क्लिक टू कनेक्ट। एंड कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस की सैंपल डेटाबेस इसके अंदर ऑलरेडी है, आपको क्रिएट करना है। किस तरह से क्रिएट करेंगे डेटाबेस, टेबल्स एंड इन नंबर्स ऑफ डिफरेंट जो भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हुए सभी हम चेक करेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई एरर आ रहा होगा आपके सेटअप करते समय, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस नेक्स्ट डे या विद इन 24 आवर हम आपका उसका सोल्यूशन, कि इफ सोल्यूशन इजी होगा तो वही आपको कमेंट सेशन में रिप्लाई आएगा, इफ सोल्यूशन बड़ा होगा तो नेक्स्ट 24 आवर में आपको उसकी वीडियो आ जाएगी। ओके, तो दोनों वैसे में आपको हेल्प करने वाला। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।